आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि भाई एफ और आर के बीच में जो रिलेशनशिप आएगा या होगा, ठीक है, वो हम लोग दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। वो जो है हम लोग दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, वो हम लोग बाय यूजिंग कनकेव मिरर, यानी हम लोग कनकेव मिरर के का यूज करके भी हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं, और हम लोग उसको कन्वेक्स मिरर का भी यूज करके हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, या तो हम लोग कनकेव मिरर का यूज करें और या तो हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करें, दोनों तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो प्रूफ करेंगे, जो हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, वो हम लोग कनकेव मिरर का यूज करके करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन आज के क्लास में हम लोग जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन बाय यूजिंग कनकेव मिरर। यानी सिंपल सा क्लास है हमारा आज का कि भाई एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर, ठीक है, एफ और आर के बीच में एस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप बाय यूजिंग कनकेव मिरर, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कनकेव मिरर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए कनकेव मिरर, तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा कनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एम और यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या चीज एन, ठीक है। एम एन का मतलब हमारा है यहाँ पे अपर्चर, ठीक है। एम एन का जो मतलब है हमारा क्या चीज, अपर्चर, यानी अपर्चर का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, ठीक है। अपर्चर का मतलब हमारा क्या चीज है, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, ठीक है। एक बात होगी अपर्चर यानी एम एन यानी अपर्चर, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा हम लोग जानते हैं कि भाई ये जो कनकेव मिरर है, जो हमने यहाँ पे कनकेव मिरर ड्रॉ करा है कि नहीं, हमने जो यहाँ पे कनकेव मिरर ड्रॉ करा, कनकेव मिरर किसका पार्ट है, ये हमको पता है कि भाई ये जो कनकेव मिरर है ये आपका स्फेरिकल मिरर का पार्ट है कि नहीं। ये जो कनकेव मिरर है आपका ये किसका पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो ऑब्वियस है कि स्फेरिकल मिरर का जब पार्ट है कि नहीं, स्फेरिकल मिरर का जब क्या चाहिए पार्ट है, तो इसका भी सेंटर होगा, क्योंकि स्फेयर का सेंटर होता है कि नहीं। ये जो स्फेयर होता है इसका भी सेंटर होता है, इसका भी रेडियस होता है। तो ऑब्वियस है कि जो हमारा कनकेव मिरर है, क्योंकि कनकेव मिरर किसका पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, तो ऑब्वियस है कि भाई इसका भी क्या होगा, सेंटर होगा, है कि नहीं। इसका भी क्या होगा, सेंटर होगा, हुआ कि नहीं होगा, है कि नहीं। इसका भी क्या चीज होगा, सेंटर होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई इसका पार्ट है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया भाई, सेंटर सी, सेंटर बोलने से अच्छा होगा इसको हम लोग सी को बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। सी को हम लोग यहाँ पे इस सेंटर से बेहतर होगा कि हम लोग उसको बोले सेंटर ऑफ क्या चीज, कर्वेचर, ठीक है। इसको हम लोग ये बेहतर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलना बेहतर होगा, ठीक है। चलिए ये तो एक बात हो गई, ठीक है। हमने एम एन को क्लियर कर लिया कि भाई एम एन का मतलब क्या होता है ना, हमने एम एन वाली कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर कर लिया, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई बोल, अगर सिंपल तरीके से अगर डिफाइन करना कोई चाहे कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, है ना। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सी है आपका, ये किसका है, सी, ये जो सेंटर है आपका, ये किसका सेंटर है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, जिसका ये जो मिरर है, जिसका ये जो मिरर है कनकेव मिरर जो है वो उसका पार्ट है, ठीक है। चलिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आ गया होगा, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर व्हिच कनकेव मिरर इज अ क्या चीज पार्ट। चलिए ठीक है, उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये देखिए एम एन अपर्चर क्लियर होगा, सी क्लियर होगा। देखिए ये जो अपर्चर का जो सेंटर होता है ना, इसको बोलते हैं पोल, है ना। ये जो पी हमने यहाँ पे लिखा, पी का मतलब होता है पोल, तो पोल क्या होता है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं भाई सेंटर ऑफ अपर्चर, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सेंटर ऑफ क्या चीज, अपर्चर। जो अपर्चर का जो सेंटर होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हम लोग ज्वाइन करते हैं, पी और सी को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। पी और सी को हमने ज्वाइन कर दिया, और ये जो लाइन है, है ना, ये जो लाइन जो है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्या चीज, एक्सिस, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है कि नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक लाइन होता है कि नहीं। सी का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। पी का मतलब क्या हो गया, पोल हो गया, और एम एन का मतलब क्या हो गया, हमारा अपर्चर हो गया, ठीक है। ये सब बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अच्छा अब हमको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या चीज है भाई,
अब वो जो चीज है आपका रेज, रेज के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए रेज का मतलब क्या होता है और रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। देखिए रेज जो होते हैं, रेज है ना, रेज तो रेज नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरेक्सियल रे, है ना, एक जो रे होता है जिसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, और दूसरा रे होता है आपका मार्जिनल रे, ठीक है। दो तरह के रेज होते हैं, कौन कौन सा भाई, एक होता है पैरेक्सियल और दूसरा होता है आपका मार्जिनल, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा ट्रिक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, वैसा रे जो इसके काफी क्लोज है तो उसको बोलते हैं पैरेक्सियल। सिंपल सा डेफिनेशन है कि भाई वैसा रेज यानी दोज रेज विच आर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी क्लोज है उसको क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज, और वैसे रेज जो काफी डिस्टेंस पर है, प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूरी पर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल रे, ठीक है। चलिए ये तो एक सिंपल सा बात हो गई, कोई रे यानी दो तरह के हम लोग रे के बारे में बात करेंगे, एक हो गया हमारा मार्जिनल रे, दूसरा हो गया हमारा पैरेक्सियल रे, जो काफी क्लोजर होगा, है ना, जो काफी क्लोजर होगा उसको बोलेंगे पैरेक्सियल, यानी क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस, लिख सकते हैं भाई क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो क्लोजर होगा उसको बोलेंगे पैरेक्सियल, और थोड़ा जो जो फार अवे होगा, है ना, फार अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, फार अवे फ्रॉम कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे मार्जिन। नाम से क्लियर है कि मार्जिन पर है, कुछ ना कुछ दूरी पर है, ठीक है। चलिए ये एक चीज क्लियर हो गया, ठीक है, मार्जिनल रे क्लियर हो गया और पैरेक्सियल रे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है रेज की, ठीक है, जब भी हम लोग रे डायग्राम पढ़ते हैं, जब भी हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि भाई कोई भी आपका ये मान लो कि मिरर हो गया, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल होता है, ये एमएन यानी अपर्चर की बात हो गई, है ना, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, ये चलो हमने यहाँ पे पॉलिश कर दिया, ये हो गया हमारा सी, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा तो ऑब्वियस है कि ये रेडियस होगा, है कि नहीं, ये हमारा क्या होगा, आर, आर यानी क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा तो एक हमने अभी रे के बारे में बात करके, दो तरह के रे है ना, कौन कौन सा रे, या तो मार्जिनल, एक मार्जिनल और दूसरा क्या चाहिए पैरेक्सियल, ठीक है, एक मार्जिनल दूसरा क्या चाहिए पैरेक्सियल। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी हम लोग रे चुन लेते हैं, या तो मार्जिनल चुन लेते हैं या तो हम लोग पैरेक्सियल चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कहीं से ये रेज निकल रहे हैं, ये जो रेज है वो कहीं ना कहीं से रेज निकल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी रे आता है वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, है ना, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, देखिए इधर वाला जो सरफेस होता है इसको हम लोग कौन सा सरफेस बोलते हैं, पॉलिश सरफेस, ठीक है। ये जो सरफेस होता है इधर वाले को हम लोग कौन सा सरफेस बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस, और इधर वाला जो सरफेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपको पता होगा, ठीक है। इधर वाला जो सरफेस होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इधर वाला जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं क्या जी, कौन सा सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, कोई भी रे आता है स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट करके एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या करता है, पास करता है ना, कोई भी रे आए यहाँ पे वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, स्ट्राइक करने के बाद एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा। आ रही बात समझ में, क्या करेगा, फिक्स्ड पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी को बोलते हैं फोकस, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एफ सी यहाँ पे एफ लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है, क्लियर हो गया, फिक्स्ड फोकस। अच्छा समटाइम फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है ना, ये जो फोकस है आपका इसको समटाइम प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। क्यों बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, तुम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये जो फोकस है यानी ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाइज कर रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर लाइज कर रहा है, दैट इज व्हाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फोकस का मतलब क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखिए यहाँ पे आर का मतलब हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, आर यानी हमारा है रेडियस ऑफ क्या चीज, कर्वेचर, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग सिंपल तरीके से अगर देखा जाए भाई आर का मतलब क्या होता है, तो पी और सी के बीच का डिस्टेंस, पी और सी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर, ठीक है। पी क्लियर हो गया, पी भाई क्या होता है, क्लियर है, आर क्लियर है, सी क्या होता है, क्लियर है, और एम एन क्लियर है, और अभी हमने एफ को क्लियर कर लिया। एफ यानी फोकस बोलो आप उसको, या प्रिंसिपल फोकस बोलो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है, हम लोग जो है इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हमने जो है यहाँ पे जो फ्रेस डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है ना, इसमें हम लोग जो है रिप्रेजेंट करके कर देते हैं यहाँ पे भाई फोकस। तो ये तो थोड़ा यहाँ पे इरेज हो गया, तो ये हो गया हमारा, ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये जो फिक्स्ड पॉइंट हो गया जहां से कोई भी लाइट आता है स्ट्राइक करके एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस था हमारा सी और आर के बीच का जो डिस्टेंस था,
सॉरी सी और पी के जो बीच का जो डिस्टेंस था उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं आर। ठीक है, ये जो हमारा हो गया, ये जो सी और पी का जो बीच का जो डिस्टेंस था इसको हम लोग बोल रहे हैं आर। ठीक है, अच्छा, और ये जो डिस्टेंस हमारा पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है ना इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ। ठीक है, पी और एफ के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहले स्मॉल एफ समझ लेते हैं फिर से। स्मॉल एफ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना। स्मॉल एफ को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होता है भाई? तो पी और एफ के बीच की जो दूरी होती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, अच्छा, आर भी क्लियर हो गया होगा। आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। आर का मतलब होता है सिंपल सा रेडियस ऑफ कर्वेचर, या आप इसको आर को ऐसे बोल दो कि भाई पी और सी के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं आर। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो टारगेट था कि भाई हमको इन्हीं दोनों में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या करा? हमने टर्म समझा। ठीक है, हमने एक तरह से क्या करा? टर्म समझा कि भाई एफ क्या होता है ना, आर क्या होता है, सी क्या होता है, एफ क्या, एफ आर सी पी, हमने एमएन को भी समझ लिया, दैट इज अपर्चर। ठीक है, हमने ये सब बातें क्लियर कर ली। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? कोई भी इधर मान लो कोई सोर्स हो गया, कोई भी सोर्स से एक लाइट निकल रहा है, वो लाइट निकल रहा है और यहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, ये आपका जो है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा जो अपर्चर इसको हम और थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए, वो स्ट्राइक कर, और स्ट्राइक करके, है ना, इसको हम फिर से थोड़ा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा इसको जो है हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मान लो ये हो गया हमारा, फिर से इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। हम लोग एक लाइन, कहीं सोर्स हो गया आपका, और उस सोर्स से एक लाइट रे आ रहा है जो इसको इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, जो क्या कर रहा है उसको इस पॉइंट पर क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि भाई वो जो है उसको एम पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है, और स्ट्राइक करने के बाद हमने पढ़ा है, एक रूल पढ़ा है कि भाई वो जो है कोई भी लाइट रे है, है ना, कोई भी लाइट रे है, इसको हम लोग यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी लाइट रे है वो कहीं भी रहेगा, जाएगा सरफेस स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद, है कि नहीं, स्ट्राइक करने के बाद वो कहां से पास करता है? वो जो है आपका ये फोकस से पास करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमको पता है। ठीक है भाई, कहीं भी लाइट रहेगा वो स्ट्राइक करेगा और वो फोकस से क्या करेगा? पास करेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको एरो दिखा देते हैं। ठीक है, एरो का मतलब, एरो यहाँ पे हम लोग इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमको पता चल पाए कि भाई लाइट रे उधर से आया, स्ट्राइक करा, है ना, ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस था इससे वो क्या किया? स्ट्राइक करा। और हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे थे कि भाई ये जो आपका जो है स्ट्राइक किया, ये एम पॉइंट पर स्ट्राइक किया। ठीक है, ये जो है आपका कहाँ पे स्ट्राइक करा? एम पॉइंट पर क्या करा? स्ट्राइक करा। और हम यहाँ पे जो है जो अपर्चर, इसका नाम कुछ अलग दे देते हैं, मान लो हम लोग उसको नाम देते हैं एम डैश। ठीक है, एम डैश, चलो, और इसको हम लोग मान लेते हैं एन डैश। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं भाई जो भी लाइट रे आया वो जो है एम पॉइंट पर क्या करा? स्ट्राइक करा। ठीक है, और स्ट्राइक करने के बाद वो जो है फोकस से पास करा। फोकस पता आपको, क्लियर कर दिया हमने फोकस। ठीक है, चलिए, यहां तक क्लियर है। अब हमने क्या करना है? अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्यों ड्रॉ करेंगे ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, आपने पढ़ा होगा कि भाई सिंपल सा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि भाई कोई भी सरफेस होता है, कोई प्लेन सरफेस है, लाइट रे आया, स्ट्राइक किया और वो रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो हम लोग बीच में क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कि नहीं करते? है कि नहीं, बीच में हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और आपको ये भी पता होगा भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये आई होता है और ये आर होता है, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बेसिक्स पता होंगे, पता होगा आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं। ये बेसिक जो लॉज है, लॉ है आपका, दैट इज लॉ ऑफ क्या चीज? रिफ्लेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे वही रूल फॉलो करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या करा? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, तो ऑब्वियस है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो इसको हम लोग मान लेते थीटा। भाई ये भी थीटा है और ये भी क्या आपका? थीटा, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। ठीक है, बाई यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों जो एंगल है आपका, वो दोनों एंगल क्या चाहिए? सेम है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा, ध्यान से समझते हैं। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट यूज करा उसमें हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करा, और ये जो लॉ है आपका ये प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में हमने यूज करा, है कि नहीं। ये जो एक तरह से लॉ जो है आपका आई इज इक्वल टू आर जो है ना, ये जो है कॉन्सेप्ट आपका आई इज इक्वल टू आर जो है, तो ये हम लोग ये जो यूज करते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे, तो इस उस जब हम लोग ये लॉ यूज करते हैं उस टाइम हम लोग कौन सा मिरर कंसीडर करके चलते हैं? उस समय तो भाई हम लोग प्लेन मिरर कंसीडर करके चलते हैं। आ रही बात समझ? उस समय जो हम लोग जब आई इक्वल टू आर हम लोग लिखते हैं, तो उस समय हम लोग कौन सा मिरर कंसीडर करके चलते हैं? उस समय तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? प्लेन मिरर, है कि नहीं। अच्छा, चलिए, ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक।
अभी समझते हैं। तो ये हमारे पास कोई ये क्या था, एक लाइट रे था, वो कहीं सोर्स हो गया आपका, ये सोर्स हो गया मान लो, कहीं से लाइट रे आया, स्ट्राइक किया, ये एम पॉइंट पर स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद एफ से पास करा, ये एंगल यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपका ये नॉर्मल हो गया है ना, ये जो कि नॉर्मल हो गया और ये दोनों सेम होगा, ये थीटा और ये थीटा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये जो सरफेस है हमारा, ध्यान से समझते हैं, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कर्व पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, कर्व्ड पोर्शन है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधा सा हम लोग इसको क्या करेंगे, लाइन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्यों लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, कर्व था, ठीक है, कर्व था, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करा, उसको हमने ज्वाइन करा एक तरह से, ये जो एम है और पी को हमने एक तरह से क्या करा, ज्वाइन किया है ना, यहाँ पे एक तरह से हमने क्या करा, एम को और पी को हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन किया। अरे बात समझ में, अब यहाँ पे एक बात आती है कि भाई हमने एम और पी को क्यों ज्वाइन किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, एम को और पी को, यानी एक तरह से बोल सकते कि हमने एम पी को ज्वाइन करा। अब बात आती है कि एमपी को हमने क्यों ज्वाइन करा, है कि नहीं, तो एमपी को हमने इसीलिए ज्वाइन करा ताकि ये सिंपल ज्योमेट्री के फॉर्म पे आ जाए, है कि नहीं, सिंपल जो है ये सिंपल ज्योमेट्री के फॉर्म पे आ जाए, और जब सिंपल ज्योमेट्री के फॉर्म पे आ जाएगा, सिंपल ज्योमेट्री के फॉर्म पे जब आ जाएगा तो हम लोग इसको आसानी से प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है, रिलेशनशिप हम लोग आसानी से इसको डिराइव कर पाएंगे, दैट इज वाई हमने उसको क्या किया, हमने उसको वहां पे एमपी को ज्वाइन किया, एक सिंपल सा ट्रिक है ना। लेकिन हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है ना, अगर जानने की कोशिश किया जाए कि भाई क्यों होता है ऐसा, तो हर एक चीज के पीछे यहाँ पे रीजन है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ भी जो है एक एंगल बन रहा है, क्यों है कि नहीं, यहाँ भी एक तरह से क्या बन रहा है आपका, एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये जो एंगल है, अब सोचने वाली बात है भाई ये एंगल कौन सा होगा, क्या होगा, है कि नहीं, चलिए समझाते हैं आपको। ये हम लोग एक बेसिक रूल हमने पढ़ा हुआ, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ, भाई दो लाइन होते हैं पैरेलल, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करेगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं, अच्छे तरीके से पता है कि नहीं। तो ऑब्वियस है कि अगर ये थीटा होगा तो ये भी हमारा एंगल क्या होगा, थीटा, एकदम क्लियर कट है कि नहीं। अगर वो थीटा होगा तो अगर ये, क्यों, किस रूल से, अल्टरनेट एंगल से, अगर ये थीटा तो ये भी क्या चाहिए, थीटा, सिंपल सी बात है कि नहीं। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल से होगा, ठीक है, चले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो आप ध्यान से, तो ये एंगल क्या है, थीटा है, ये भी एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, अब सोचने वाली बात क्या है कि ये एंगल कितना होगा, है कि नहीं। तो हम लोग एक रूल, बेसिक हमने रूल पढ़ा हुआ है ट्रायंगल का, वो क्या रूल होता है कि भाई जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जो एंगल होता है वो इंटीरियर के सम के बराबर होता है। हम लोग ये बेसिक रूल हमने पढ़ा हुआ है कि भाई जो बाहरी वाला जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल होता है वो अंदर के, यानी इंटीरियर के सम, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है कि नहीं। ये बेसिक रूल्स है, ठीक है, ये हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उस रूल से अगर देखा जाए, ठीक है, अगर उस रूल को फॉलो करा जाए तो ये हमारा थीटा, ये भी थीटा, तो ये हमारा एंगल कितना होगा, टू थीटा होगा। क्या इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जो है इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो ये थीटा है, ये भी क्या है, थीटा। तो ऑब्वियस है कि ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, टू थीटा होगा, क्योंकि जो बाहरी वाला जो एंगल होता है वो अंदर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एंगल हो गया हमारा, क्या निकल गया, गया टू थीटा, ठीक है। ये हमने क्या करा, डायग्राम हमारा एकदम जो है कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स है। अच्छा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है, हमको जो है एफ और आर के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है कि नहीं। हमारा टारगेट तो सिंपल सा है, तो हम लोग जो है उन्हीं दो ट्राइंगल को चुनेंगे जहां पे एफ आई और आर आए, है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं दो ट्राइंगल्स को चूज करेंगे कि भाई जहां पे क्या है, एफ आई और आर आए, ठीक है। अब देखो अब ध्यान से देखो, ठीक है, एफ ये यहाँ, ये वाला जो इस, ये जो ट्राइंगल है इसको हम लोग यहाँ से, ये जो डिस्टेंस होता है इसको स्मॉल एफ बोलते हैं क्या, तो स्मॉल एफ इस ट्रायंगल में आ रहा है, यानी इस ट्रायंगल का नाम लेते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले ये इन ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल का नाम क्या है, एम एफ पी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लेते हैं भाई इन ट्रायंगल एम एफ व्हाट, पी, क्लियर कट है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, है कि नहीं, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो गया, बेस, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको पता होगा बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स की, भाई कि जब भी ट्रायंगल में जब भी परपेंडिकुलर की बात आती है और बेस की बात है तो हम लोग टैन लेते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा टैन थीटा, यानी थीटा हमारा क्या है, टू थीटा है कि नहीं। ये जो थीटा हमारा है वो क्या है, टू थीटा है, तो टैन थीटा, थीटा
tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी यहाँ पे क्या हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या हमारा एम पी है, ये हमारा पी हो गया और बी बी में हमारा क्या है एफ है क्या, ये हमारा जो बी में वो क्या हमारा एफ है ना, ये हो गया हमारा एफ। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो ट्राइंगल है काफी छोटा है, यानी फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर हम लोग जो है फॉर वेरी स्मॉल क्या चीज अपर्चर, जो टैन टू थीटा है ना, ये यहाँ पे जो है काफी क्लोजर है किसके, टू थीटा के काफी क्लोजर है ना, किसके क्लोजर है काफी, टू थीटा के काफी क्लोजर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है टैन टू थीटा का यूज ना करके, क्योंकि क्योंकि क्यों ऐसा भी क्यों है कि नहीं, क्योंकि जो अपर्चर है काफी छोटा हमने कंसिडर करा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे जो है टैन टू थीटा का यूज ना करके हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टू थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टू थीटा इज इक्वल टू एम पी बाई एफ, है ना, टू थीटा इक्वल टू क्या निकल गया हमारे पास एम पी बाई एफ। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल गया है कि नहीं, जब ये आ गया तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या निकल गया एम पी बाई एफ, ये जो क्योंकि एफ टू जो है टू इधर आ जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू निकल गया हमारे पास एम पी बाई टू एफ। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन वन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं इक्वेशन वन जो है इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो भाई एक ट्रायंगल की बात हो गई, अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला ट्रायंगल हो गया, अब हम लोग जो है बड़ा ट्रायंगल से क्या मेरा मतलब है कि भाई हमने तो F और R के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है कि नहीं, तो हमने तो F वाला चूज कर लिया, भाई F किस में आ रहा है, तो F इसमें आ रहा था, है ना, M F P में, यानी MF में क्या आ रहा था, F आ रहा था, दैट इज व्हाई वी चूज, है कि नहीं, हमने इस ट्रायंगल को क्यों चूज करा, एम एफ पी को हमने क्यों चूज करा, क्यों भाई उसमें एफ आ रहा था, अब हमको वैसे ट्रायंगल देखना है जिसमें आर आएगा, है कि नहीं, अब आर, अब खुद देखो, आप देखो ध्यान से, अब हम लोग जो है अगर हम लोग एम सी और पी को चूज करते हैं, एम सी और पी को चूज करते हैं, तो एम सी पी को, ये देखो आपका ये एम सी पी को अगर हम चूज करेंगे, है ना, ये अगर हम चूज करते तो इसमें हमारा क्या मिल जा रहा है आर, है कि नहीं, इसमें हमको क्या मिल जा रहा है आर, क्लियर है, यानी ये आइडिया हमको मिल गया कि भैया हमको जो है एम सी पी ट्रायंगल में जाना है। अच्छा दूसरी बात, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं, दो ट्रायंगल बन रहा था, दोनों ट्रायंगल में चलना ही है, तो एक में तो हमने ऑलरेडी चल दिया, है कि नहीं, और हमारे पास एक रिलेशनशिप निकल के आ गया कि भाई थीटा इज इक्वल टू एम पी बाई टू एफ। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ट्रायंगल में, तो यहां भी देखो आप वही पी बाई बी, यानी टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, पी हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारा एम पी, क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था एम पी, और ये हो गया हमारा बी, है ना, ये आप पढ़े हो फिर से एक बार, हम रिपीट करते हैं, ट्रायंगल में क्या होता है परपेंडिकुलर बाई क्या चीज हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस, है कि नहीं, और परपेंडिकुलर बाई बेस यानी क्या चीज टैन थीटा का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू p, ये हो गया हमारा p, ठीक है, और ये हो गया हमारा b, b यानी क्या चीज r। ठीक है, अच्छा फॉर वही बात फिर से यहाँ पे, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर हम लोग जो है tan थीटा यूज ना करके हम लोग क्या यूज करेंगे, थीटा यूज करेंगे, यानी थीटा इक्वल टू क्या निकल गया एम पी बाई आर, है कि नहीं, थीटा इक्वल टू क्या निकल गया एम पी बाई आर, और इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन हमने इसको टू कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास देखो ध्यान से, हमारे पास दो दो इक्वेशन आ गए, हमारे पास जो है दो इक्वेशंस आ गए, एक आ गया हमारे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एम पी बाई टू एफ, और एक आ गया हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एम पी बाई आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्लियरली देखो फ्रॉम वन एंड टू, अब जब जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी ऑब्वियस है कि आपस में ये दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं, यानी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आपको यहाँ पे भाई क्लियरली फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, है कि नहीं, यानी एम पी बाई क्या चीज आर इज इक्वल टू एम पी बाई क्या होगा टू एफ होगा, ये एम पी एम पी यहां से कैंसिल हो गया, है कि नहीं, एम पी एम पी यहां से क्या चीज हो गया कैंसिल हो गया, जब एम पी एम पी कैंसिल हो गया तो क्या भाई हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया आर इज इक्वल टू टू एफ, यानी हम लोग उसको बोल सकते हैं भाई एफ इज इक्वल टू क्या बच गया आर बाई टू। तो कोई भी पूछेगा आपसे भाई क्या होता है रिलेशन एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो हमने बता देना है भाई एफ इज इक्वल टू क्या चीज आर बाई टू, सिंपल सा रिवीजन मतलब सिंपल सा एक टॉपिक था, दैट इज कि भाई रिलेशनशिप क्या होता है एफ और आर के बीच में, तो हमने बता देना भाई एफ इज इक्वल टू क्या चीज आर बाई टू, ये हमने एक सिंपल सा क्या कर लिया, एक डेरिवेशन कर लिया। ठीक है, एफ इज इक्वल टू व्हाट आर बाई टू, तो ये हमने डिराइव कर लिया कि भाई एफ और आर के बीच में यही रिलेशन होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, अच्छा एक बार हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से समराइज कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, हमने दो ट्रायंगल चूज करा था, एक ये ट्रायंगल था आपके पास, है कि नहीं, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल था,
ठीक है। तो सिंपल सा ट्राइंगल में हमने क्या टैन थीटा का यूज करा है कि नहीं, इसे भी हमने टैन थीटा का यूज करा, हमने यहाँ से इससे इक्वेशन वन निकला हमारा, और इससे हमारा क्या निकला इक्वेशन टू निकला है कि नहीं, हमने दोनों को सॉल्व करा और हमारे पास रिजल्ट मिल गया, दैट इज एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है ठीक है, तो आप हमको बताइएगा, हम फिर से उसको हम लोग क्या फिर से उसको हम जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है।